please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तराखंड के हरिद्वार में डीएम और पुलिस की टीम ने पॉलिथीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। वहां पाबंदी लगने के बावजूद चोरी छिपे पॉलिथीन बेच रहे कारोबारियों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इसी सिलसिले में डीएम एक रिहायशी इलाके में पहुंचे और पॉलिथीन के गोदाम पर छापा मारा। वहां बड़ी तादाद में पॉलिथीन के बैग देखकर डीएम भी हैरान रह गए। छापेमारी के बाद प्रशासन ने गोदाम पर ताला लगा दिया। इसके बाद पुलिस की टीम ने बाजार का रुख किया और वहां भी बड़ी तादाद में पॉलिथीन के बैग जब्त किए गए। 4 क्विंटल तो पॉलिथीन जब्त हुई है और 7,000 का जुर्माना हुआ है। राज्य में 31 जुलाई से पॉलिथीन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। उधर प्रशासन ने भी छापेमारी करते हुए कारोबारियों को कड़ा संदेश दे दिया। असम में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक सियासी घमासान मचा है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई, जिसकी वजह से NRC मुद्दे पर सियासी विवाद और बढ़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि BJP ने चुनावी फायदे के लिए NRC मुद्दे को तूल दिया। अमित शाह जी को आगे करके ये देश की राजनीति को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस के इस हमले को NCP ने धार देते हुए NRC के बहाने भेदभाव का दावा किया। जिस तरह की सूची तैयार हुई है उससे ये संकेत मिल रहा है कि भेदभाव धार्मिक और साथ साथ भाषा के आधार, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। TMC इस मसले को लेकर पहले ही BJP पर हमलावर है और लगातार केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। ऐसे में BJP भी विरोधियों के हमलों का जवाब देने से नहीं चूक रही और उसके नेता खुलकर NRC मुद्दे पर सरकार का बचाव करने में जुटे हैं। News 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर उन्हीं के नेताओं के बहाने जोरदार हमला बोल दिया। आज क्यों चुप हैं? आज क्यों प्रेम हो गया? इसलिए कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान हैं, इसलिए कांग्रेस को भी प्रेम हो गया। लेकिन असम से आने वाले AUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने NRC मुद्दे को लेकर BJP अध्यक्ष पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। पॉलिटिकल गेम, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि अमित शाह जी साहब खेल रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। इतना ही नहीं, AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल ने NRC मुद्दे पर अमित शाह से सुप्रीम कोर्ट और लोगों के सामने माफी की मांग की। बिहार के मुंगेर में 110 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची सन्नू को 30 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। मंगलवार को शाम 4 बजे ये बच्ची खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी और 43 फीट की गहराई पर जाकर फंस गई। आपको मेरा बच्चा सही सलामत दे दीजिए। बुधवार को रात 9:40 पर बिहार के मुंगेर में चमत्कार हुआ। जिस बोरवेल में बच्ची गिरी थी उसके बगल में खोदे गए 50 फीट गहरे गड्ढे में हलचल तेज हो गई। लोगों को आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बच्ची को गोद में लिए हुए बचाव दल का एक सदस्य सीढ़ी से ऊपर आता दिखाई दिया। करीब 30 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए बोरवेल में 43 फीट की गहराई पर फंसी बच्ची सही सलामत बाहर निकाल ली गई। बच्ची को सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची को बाहर निकाला गया है और बच्ची सुरक्षित बाहर निकली है और बच्ची को एम्बुलेंस में अभी बैठाया जा रहा है। लोग ताली बजाने लगे। ये तस्वीरें चमत्कार से कम नहीं थी। बच्ची को सीधे अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज किया गया। अपने कलेजे के टुकड़े को सही सलामत देखकर दुखियारी माँ की जान में जान आई। 30 घंटे तक वो हाथ जोड़कर अपनी बच्ची को बचाने की फरियाद करती रही। बेटी का जान बच जाए और आप लोग से कुछ 4 घंटे में जो कुछ नहीं मांगेंगे आप लोग। माँ की लबों पर सिर्फ एक दुआ थी कि किसी तरह से उसकी बच्ची की जान बच जाए, लेकिन ये आसान नहीं था। मंगलवार को शाम 4 बजे अपने घर के बाहर खेलते हुए 3 साल की सन्नू 110 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। बोरवेल ऊपर से चौड़ा था और नीचे कुछ संकरा था, इसलिए वो 45 फीट की गहराई पर पहुंचकर मिट्टी और पाइप के बीच फंस गई। इसके बाद उसे बचाने का ऑपरेशन शुरू हो गया। एक पाइप से उस तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाने लगी। एक कैमरा भी वहां तक पहुंचाया गया। तस्वीरों में बच्ची का हाथ हिलता दिखा जबकि उसका सिर मिट्टी में दबा नजर आया। CCTV के फुटेज में जो है साफ साफ उसके हाथ को देखा जा सकता है कि बच्ची अपनी माँ को कैसे बुलाती है। अब माँ भी जो है उस बच्ची को कैसे आवाज़ देगी ताकि वो बच्ची का एक मनोबल जो है अंदर से बना हो। एक तरफ माँ और पिता बच्ची का हौसला बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे,
दूसरी ओर बिहार पुलिस, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के बगल में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बिहार के मुंगेर में एक बोरवेल में 43 फीट की गहराई पर फंसी बच्ची को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन अंजाम दिया। बच्ची को बचाने के लिए बोरवेल के पास 50 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उस तक पहुंचने की योजना बनाई गई। बोरवेल में 43 फीट की गहराई में फंसी 3 साल की सन्नो को बचाने के लिए बिहार ही नहीं पूरे देश में प्रार्थना की गई। दूसरी ओर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बोरवेल के बगल में रात और दिन की परवाह न करके लगातार खुदाई जारी रखी गई। बुधवार की शाम तक एनडीआरएफ की टीम गड्ढा खोदते खोदते करीब 50 फीट की गहराई तक पहुंच गई। से कंटिन्यूस बात करती रही है कल से लेकर आज तक, अभी भी अलाइव है, विश्वास है ऊपर वाले को, बाकी भगवान से प्रे करते हैं। पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बोरवेल में फंसी बच्ची जिंदा थी। बचाव दल ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी और इसके बाद गड्ढे के अंदर से बोरवेल तक एक सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया। 4 फीट या 5 फीट का जो पैरेलल टनल बनाया जाता है वो हमारा सबसे ज्यादा था, क्योंकि घर के अंदर और फिर हमने उसको 11 फीट पैरेलल टनल डिगिंग किया। शाम ढलते ढलते 50 फीट गहरे गड्ढे से बोरवेल तक बनाई जा रही सुरंग का काम पूरा हो गया। इसके बाद बच्ची तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी गई। तब तक मौके पर एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया ताकि बच्ची को निकालते ही उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। हाथ से हाथ जोड़कर जो है यह चेन बनाया गया है और लगातार जो है अधिकारी लगे हुए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद समय के बाद ही जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और बच्ची को जो है यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकलने के बाद जो है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है फिर सदर अस्पताल ले जाएगा। थोड़ी देर बाद बचाव दल का एक सदस्य बच्ची को अपने सीने से चिपकाए हुए ऊपर आता दिखाई दिया और जैसे ही बच्ची को एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया लोग खुशी से झूम उठे। मध्य प्रदेश के हरदा में ढोल नगाड़ों के बीच एक जज के कुछ साथी उनको गोद में उठाकर नाचने लगे। हरदा की जिला कोर्ट से रिटायर होने के बाद वहां के एक जज को अनोखी विदाई दी गई, जिसके लिए एक बग्गी मंगवाई गई और फूलों से लदे जज प्रकाश चंद्रा को बग्गी पर बिठाकर सड़क पर घुमाया गया। बग्गी के आगे जज के साथी पटाखे फोड़ने लगे तो कुछ साथी ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करने लगे। बग्गी के कुछ दूर जाने के बाद जज भी बग्गी से नीचे उतर आए और अपने साथियों के साथ डांस करने लगे। इसके बाद जज के एक साथी ने उनको अपनी गोद में उठा लिया और डांस करने लगा। इस शानदार विदाई के लिए जज प्रकाश चंद्रा ने अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने SC/ST बिल संशोधन बिल को मंजूरी मिलने पर विपक्ष को घेरा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने SC/ST बिल संशोधन बिल को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत किया और इसे मोदी सरकार को दलित विरोधी बताने वाले विपक्षी दलों के मुंह पर तमाचा बताया। बार बार ही कहते थे दलित विरोधी, आप किस मुंह से कहेंगे, इनको करें हिम्मत है तो स्वागत करें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी की ओर से हरिद्वार से हरियाणा तक निकाली जा रही कावड़ यात्रा को पागलपन करार दिया। आम आदमी पार्टी तो पागल पार्टी हो गई है। कठुआ गैंगरेप केस में आंदोलन की अगुवाई करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तालिब हुसैन को जम्मू कश्मीर के सांबा में रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के विरोध में शहर के कॉलेज, शिक्षक संघ और छात्रों ने मार्च निकाला और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। झारखंड के रांची में रिम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिससे कई मरीजों को काफी परेशानी हुई। असम राइफल्स ने मिजोरम के चंफाई में म्यांमार के 5 नागरिकों को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 11 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना बरामद किया। असम में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल असम का दौरा करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच 2019 के आम चुनाव में BJP को चुनौती देने पर चर्चा की बात कही गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट के मामले में दोषी करार दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की मौजूदगी में वहां के स्वाधार गृह का ताला तोड़ा गया। बालिका गृह रेप कांड के बाद इस स्वाधार गृह से 11 महिलाओं के लापता होने की बात सामने आई थी।
जिसके बाद पुलिस की टीम जांच के लिए स्वधार गृह पहुंची, जहां स्वधार गृह के चार कमरों में लगे तालों को तोड़ा गया। ताले तोड़ने के बाद जब जांच टीम कमरों में दाखिल हुई तो उसने बारीकी से वहां रखे हर सामान की पड़ताल की। इस दौरान दो सदस्य एक चादर की पड़ताल करते नजर आए तो कुछ लोग एक सूटकेस में रखे सामान की जांच करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि जांच टीम को मौके से शराब की बोतलें और भारी मात्रा में कॉन्डम मिले। इतना ही नहीं, जांच टीम को स्वधार गृह से कई दस्तावेज भी मिले जिन्हें जब्त कर लिया गया। बालिका गृह रेप मामले में गिरफ्तार आरोपी ब्रजेश ठाकुर ही इस स्वधार गृह को भी चला रहा था, जहां से 11 महिलाएं लापता बताई गईं। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप केस में जांच टीम के सामने बेहद चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। मुजफ्फरपुर की एसएसपी हरप्रीत कौर की अगुवाई में एफएसएल की टीम ने बालिका गृह के चारों कमरों की जांच की, जिसमें वहां से काफी मात्रा में कॉन्डम और शराब की खाली बोतलें मिली। इसके अलावा बालिका गृह से यूज किया हुआ कॉन्डम भी बरामद किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के विरोध में वाम दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसका आरजेडी और कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। लेफ्ट पार्टियों ने बालिका गृह रेप केस में मंत्री मंजू वर्मा के पति का नाम आने पर उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की है। इंडोनेशिया के नियास टापू के पास हिंद महासागर में ऊंची लहरों में फंसी एक नाव पलट गई। इस घटना के दौरान वहां कुछ और नावें भी थी, जिन पर सवार लोग लहरों की वजह से नाव को पलटते देख जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये नाव पर्यटकों को समंदर की सैर करा रही थी, जो पलटने से पहले बहुत देर तक लहरों पर हिचकोले खाती रही। इसी दौरान एक ऊंची लहर आई, जिसके साथ पहले ये नाव ऊपर उठी फिर समंदर में पलटी खा गई। नाव के पलटने से पहले ही उसमें सवार पर्यटक समंदर में कूद चुके थे। हालांकि ये हादसा टापू के किनारे हुआ, जिससे नाव तो डूब गई लेकिन उसमें बैठे लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए। राजस्थान के सीकर जिले के लोसिल कस्बे में एक दो मंजिला इमारत की छत पर एक सांड चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले मकान में रह रहे लोगों ने करीब 3 घंटे तक सांड को नीचे उतारने की काफी कोशिश की, लेकिन सांड नीचे नहीं उतरा। फिर लोगों ने पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना दी, जिसके बाद सांड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर क्रेन की मदद से करीब 5 घंटे बाद नीचे उतारा जा सका। गुजरात के भरूच में क्वीन ऑफ एंजल्स स्कूल के अंदर एक हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने वहां पढ़ने वाली कुछ छात्राओं को मेहंदी लगाने की वजह से स्कूल आने से मना कर दिया, जिसके विरोध में पीड़ित छात्राओं के परिजन एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल के अंदर पहुंचे और जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। छात्राओं के परिजनों ने बताया कि गुजरात में मनाए जाने वाले गौरी व्रत त्योहार के लिए उन्होंने हाथों में मेहंदी रचाई थी, लेकिन अगले दिन स्कूल पहुंची बच्चियों को प्रबंधन ने मेहंदी का रंग उतरने तक स्कूल नहीं आने का फरमान सुना दिया। वो बहुत रोई कि मम्मा मेहंदी के लिए ना बोला हमको, सिस्टर ने ऑफिस में आके बोला कि मत करो मेहंदी। छात्राओं के घर वालों के साथ स्कूल पहुंचे बीजेपी विधायक दुष्यंत पटेल ने स्कूल पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया। इफ कोई बिलीव करता है स्वामीनारायण में, इफ ही पुटिंग अ टीला, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किए जाने की दलील दी। सब धर्म के संत साजरे करते हैं स्कूल में, ऐसा नहीं कि हम खाली कैथोलिक को ही देखते हैं, नहीं सब कुछ चांस दिए हैं। दावा है कि स्कूल की तरफ से लिखित तौर पर माफी मांगी गई, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। राज ठाकरे ने गणेश पंडालों में किसी भी तरह की पाबंदी का विरोध जताया। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में लाउडस्पीकर समेत किसी भी तरह की पाबंदी लगाए जाने का विरोध करते हुए पूछा कि सड़क पर नमाज के लिए लगने वाले लाउडस्पीकर क्यों नहीं रोके जाते। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को मंजूरी न देने की खबरों को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में अपनी मर्जी से शादी करने पर एक लड़के और लड़की से मारपीट और बदसलूकी करने के इल्जाम में पुलिस ने लड़की के पिता समेत 6 आरोपियों में 2 को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर दाखिल एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म फन्ने खां की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा की वजह से जिला प्रशासन ने 4 से 9 अगस्त तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया।